नमस्कार, मैं हूं कोमल और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। मैं आज आई हूं नागलोई भूतों वाली गली में। यहां पर सिर्फ 1 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है, तो ये है श्री श्याम रसोई। प्रवीण कुमार गोयल हैं जिन्होंने इस रसोई की शुरुआत की है, और वो सिर्फ लोगों को इस रसोई में खाना ही नहीं खिलाते हैं बल्कि साथ में वृद्धाश्रमों में भी खाना पहुंचाते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आप तो पहले 10 रुपए में थी, आज से करीबन 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, अभी 2 साल होने वाले हैं इसको पूरे, तो पहले 10 रुपए में थी। अभी जब से कोरोना चला है, कोरोना की स्टार्टिंग हुई है, मार्केट की स्थिति पता ही आपको क्या है, लोगों को काम धंधे नहीं थे, व्यापार नहीं थे, और हम लोग सभी लोग मिलके इसको हमने शुरू किया है 1 रुपये के हिसाब से, और श्याम बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको माध्यम से कहना चाहूँगा सभी श्याम प्रेमियों को, सभी देशवासियों को जिन्होंने श्याम बाबा की कृपा से और देशवासियों की कृपा से ये काम हो रहा है। करवाने वाला परमपिता परमात्मा है, हम कोई चीज़ नहीं है, जहाँ हम आ जाएगा, जहाँ मैं आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और अभी 1 रुपये में चल रहा है, 1 रुपये में भरपेट भोजन है, वो 1 रुपये देना चाहे दे, कोई नहीं देना चाहे ना दे। मैं एक बार पहले मेरी नोटबुक की फैक्ट्री थी, कापी का मैन्युफैक्चर था नोटबुक का, तो मैं जो है बैंडर था, कंपनियों का माल बनाता था, तो मैं बहादुरगढ़ जा रहा था किसी काम पर, तो उस टाइम गर्मी का टाइम था, प्यास लगी थी मुझे बहुत तेज। मैं एक ढाबे पर रुका तो वहाँ एक आदमी के पास 10 रुपये थे, उसको खाना नहीं मिला। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि भाई इसको खाना क्यों नहीं मिला, तो रोटी दे ही सकता था। उसने कहा जी मैं रोटी भी दो नहीं दूंगा इसको, मेरे यहाँ तो 10 रुपये का कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इसको खाना खिला, मैंने उसको 100 रुपये उसको दे दिए। उसके बाद 100 रुपये देने के बाद मैं वहाँ से रिटर्न आ गया वापसी, बच्चों से बात करी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, और बेटा मेरी उम्र भी 51 साल की हो गई, अब तुम भी सर्विस कर रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो मैं रिटायरमेंट ले लूं। बच्चे बोले पापा हम तो आपको पहले से कह रहे हैं, आपने बहुत सालों के काम करते करते आप फ्री माइंड रहो। तो मैंने कहा बेटा मैं तो ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे? बच्चे बोले हाँ पापा हम आपका साथ देंगे। करीबन 5,60,000 रुपये की मशीनें बिकी थी मेरी, और कुछ मेरे पास कैश और था हल्का फुल्का सारा, वो उसके जो भी बर्तन भांडे आए मैं ले आया और काम स्टार्ट मैंने कर दिया था। उसको बेचा, कुछ और भी थोड़ी बहुत मेरे पास पड़ा था, प्रॉपर्टी हल्की फुल्की और पड़ी थी, वो मैंने निकाल दी है। यहाँ तक के जो मेरे पास अंगूठी जेवर था वो भी मैंने अपना दे दिया। मैं ना अपना घर से कुछ लेता हूँ, ना मैं अपना घर से कुछ देता हूँ, और मेरे पास लोग बागों का यहाँ दान आता है, कोई राशन दे गया, कोई चावल दे गया, कोई चीनी दे गया, सामान यहाँ आ जाता है, और परमात्मा खुद भेज रहा है सामान के लिए। ऐसे अभी जैसे अभी मैं बताऊँ, 10 बोरी जो है गाजर की आई है मेरे पास, किसान दे गया, कोई आलू दे गया, कोई गोभी दे गया, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी, मटर बन डाल के बना दिए, कोई पालक दे गया पालक पनीर बना दिया, छोले तो हमारे यहाँ बनते बनते हैं पंजाबी छोले, किसी ने कहा जी मेरे बच्चे का जन्मदिन आज हलवा बना दो, तो हमारे यहाँ 3 सब्जी हर रोज़ बनती है, 3 सब्जी डेली बनती है हमारे यहाँ, और एक मीठा बनता है, रोटी होती है, चावल होती है, भर पेट खाता है आदमी, जूठा नहीं छोड़ने देते हम। अब ये देखिए ये बुज़ुर्ग आदमी है, इसे चलाओ नहीं जाता ना बैठा, इनका हाथ देखिए, ये हाथ भी इनका काम नहीं करता। ये हमारा पेटीएम नंबर है, ये हमारी रसोई का नंबर है, ये हमारा ट्रस्ट है, आपको जो भी दान देना चाहें। ये हमारी ई रिक्शा है जो ये खाना लेके जाती है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे ये रिक्शा खाना लेके जाती है रोजाना। ये वृद्धाश्रम, कोड़ियों का आश्रम, अंध विद्यालय, हाँ सभी आश्रमों में जहाँ किसी की डेथ हो जाती है उसके यहाँ खाना चाहिए, तवे वाली रोटी और दाल सब्जी जो भी मांगता है वो भेज देते हैं। जहाँ कोई गरीब लड़की की शादी है, हम देख लेते हैं गरीब आदमी है, परेशान है, दुखी है, उसके लिए हम 3 सब्जी, 1 मीठा और पूरी
की व्यवस्था करते हैं, 50 आदमी तक का प्रोग्राम हम कर देते हैं फ्री में। और ये कितने आपने, ये कितने? मेरे पास ई रिक्शा इस टाइम 3 ई रिक्शा है, 2 रिक्शा अपनी है हमारी ट्रस्ट की है और 1 रिक्शा हमारी 700 रुपये डेली किराए पर है। तो मैं ये चाहूँगा कोई आपके माध्यम से सुन रहा हो, हमें ई रिक्शा का योगदान चाहिए, वो देना चाहता हूँ तो उसकी मेहरबानी। मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई, तो लगभग लोग यहाँ से खाना खाकर जा चुके हैं। अभी बज रहे हैं 12:30, फिर भी यहाँ पर देखिए कुछ लोग, बच्चे महिलाएं खाना खा रहे हैं। खाना भी लगभग ख़त्म हो चुका है। यहाँ की टाइमिंग है 11 से 1 बजे तक की। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता उनका पेट भर रहे हैं। हर रोज़ का यहाँ का जो मेन्यू होता है वो अलग होता है और खाने में इतनी वेराइटीज़ हैं कि क्या ही कहा जाए। क्योंकि देखिए आज का जो मेन्यू है उसमें क्या क्या आप भी देख पा रहे होंगे, ये है बिरयानी, ठीक है, इसके बाद ये है ज़ीरा राइस, आलू की सब्ज़ी भी है, पंजाबी छोले, पालक पनीर की सब्ज़ी, पराठे, और इतना ही नहीं उन्होंने मीठे में भी मतलब सूजी का हलवा भी है। तो आप ये गिन सकते हैं, ज़ीरा राइस, आलू की सब्ज़ी, पंजाबी छोले, मतलब कितनी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे खाने के लिए, वो भी सिर्फ 1 रुपये देना है आपको यहाँ पर और आपको भर पेट खाना मिलेगा और इतनी सारी चीज़ें सिर्फ आपको 1 रुपये में। और ये जो है हलवा है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और आप चाहे तो उन्हें डोनेट भी कर सकते हैं और इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन नागलोई है। मैं आई तो नागलोई मेट्रो स्टेशन से थी पर वापस सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से गई थी क्योंकि ये वाला ज़्यादा पास में है नागलोई से। तो कभी आप यहाँ आए तो भूतों वाली गली में भटक मत जाना, रास्ता बहुत आसान है, बस आपको मेट्रो से आना है और चाहे तो आप ई रिक्शा ले सकते हैं या आप सीधा गूगल मैप के ज़रिए जा भी सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता होगा। तो यहाँ आइए और इन लोगों का हौसला बढ़ाइए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।